बर्दार अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई आमिर को हिट देने गया तो किसी को भी हिट नहीं देना है। तो काफी टाइम से मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो रील्स पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि थंबनेल में लड़कियों को लगाने से 15,000 व्यू तो आ ही जाते हैं। उतने में मुझे मिला आबिर व्यास। इस वीडियो में हम आबिर को आमिर बोलेंगे, क्योंकि मुझे आमिर ही बोलना आता है, आबिर नहीं आता। तुम्हें पता है आमिर व्यास की खास बात क्या है? उसे लगता है कि वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखता है। कभी उसे लगता है कि वो आशीष चंचलानी की तरह दिखता है। अरे क्या मैं आशीष चंचलानी जैसा दिखता हूँ क्या? और कभी उसे लगता है कि वो वरुण धवन की तरह दिखता है। स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। आमिर तेरे 2,00,000 फॉलोअर्स हो गए और अभी भी तुझे फोन को ट्राइपॉड पे लगाना नहीं आया, या फिर शायद तुझे झुकने की इतनी आदत ही हो गई इसलिए तू ऐसे वीडियो बना रहा है। और आबिर भाई कैमरे से थोड़ा दूर हो ले, क्योंकि दूर रहने से भी फिल्टर काम करता है। 2,00,000 फॉलोअर्स, तेरा हाथ भी कट रहा है वीडियो में। 2,00,000 फॉलोअर्स, एक टाइम था जब आमिर को अपने वीडियो बनाने के लिए कहीं से कॉन्टेंट ढूंढना पड़ता था, लेकिन जब से इंस्टाग्राम पर रिमिक्स टिकटॉक का ड्यूएट वाला फिल्टर स्टार्ट हुआ है, तब से उसकी जिंदगी मेंटोस जिंदगी बन गई। आराम से दूसरे के बनाए हुए वीडियो पे रिएक्ट करो और लाइक्स पाओ। आमिर मैंने देखा है तू अपने वीडियो बनाते हुए ज़ूम इन करता रहता है। आमिर मैंने बोला ना, इंस्टा का फिल्टर दूर से भी काम करता है। हाँ वैसे ज़ूम करते रहना अच्छी बात है, क्योंकि ऑडियंस को लेक्चर सुनाने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडिटिंग भी दिखानी जरूरी है ना। तो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा दूँ, अगर तुम्हें कोई टैलेंट ना हो तो तुम वो चीज़ नहीं करोगे ना। जैसे मुझे मुजरा करना नहीं आता तो मैं मैं मुजरा नहीं करता। वैसे ही अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम खाना नहीं बनाओगी, सिंपल। वैसे ही बेचारे आमिर को कॉमेडी वीडियोस बनाना नहीं आता, इसलिए वो लेक्चर वीडियोस बनाता है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। पर कुछ लोग होते हैं जो मानने को ही तैयार नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें से आता है आमिर। जैसे आमिर को लगता है कि वो रियाज की तरह क्यूट है। वैसे क्यूट तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी रियाज को खेला दिया जा सकता है। पर आमिर क्यों यार, आमिर तू ये क्यूट वाला फिल्टर लगा के भी क्यूट नहीं लग रहा। तू अपने लेक्चर वीडियोस तेरे हिसाब से कॉमेडी वीडियोस बनाना। बेंचो कौन लोग होते होंगे जो ऐसे वीडियोस को कॉमेडी वीडियोस बोलते होंगे, उनकी जिंदगी कैसे होती होगी? अरे भाई वो देख चूहा जा रहा है, चूहा चूहा चाहता भी है कॉमेडी, कॉमेडी कॉमेडी करता है भाई। तू कॉमेडी वीडियो बना भाई, इंस्टाग्राम पे वायरल जाएगा तू, चूहा चाहता भी है। तेरे घर पे कुत्ता हक के चला गया, उसे भगा। मैं कभी जूम इन करूंगा, कभी जूम आउट करूंगा, और गुस्से में कभी शांति से रेंट करूंगा। आमिर खुद के वीडियो देखे कभी? तूने सिर्फ इस वीडियो में कम से कम 15 बार जूम इन जूम आउट कर दिया है। क्या सका है, आमिर भाई यार ये क्या कर रहे हो? ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, फोन को दूर रख के भी फिल्टर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये माइक को दूर रखता हूँ। और एक बार अपने बाल देखो यार, कैमोफ्लेज हो रहे हैं। मैंने बोला खुद के वीडियोस देख लिया करो। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम आशीष चंचलानी की तरह बोलोगे तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी? हाँ वैसे 4,00,000 लाइक्स आए। 4,00,000 मेरे पूरी चैनल के व्यूज मिला के भी इससे आधे भी नहीं होते। जब भी तुझे कोई गाली देना तो उसको बोला अच्छा तेरा बाप तुझे घर पे इसी नाम से बुलाता है क्या? हाँ वैसे जिसने पूरी जिंदगी गालियां ही खाई हो उन्हें गालियों का तोड़ तो मिल ही जाता है। जब आमिर तुझे तेरे पापा घर पे क्रिंज करके बुलाते हैं। Five types of audience on reels. भाई क्या वीडियो बनाते हो भाई, लव यू भाई। ये थी मेरी ऑडियंस, आमिर के वीडियो देखने के बाद मेरी ऑडियंस। कॉमेडी हंसना था क्या? एक टाइम था जब आमिर ऐसे गुस्से वाले वीडियोस बनाता था। सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी, दुनिया में वो एक ऐसा शक्ति बुद्धिमान। लेकिन अब आमिर ने ये सब बनाना बंद कर दिया। क्यों? तुझे तेरे पापा घर पे जानवर बुलाने लगे। सॉरी 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 सॉरी। पहले आमिर अपनी सारी वीडियो के एंड में घंटा बोलता था। घंटा 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 घंटा। क्यों आमिर, तुझे तेरे पापा घर पे खूब बजाते हैं क्या? फेमस आया था तब लोग, तू जब फेमस आया था तब लोग अपने
जब नया नया फेम हाउस आया था तब आमिर ने सोचा कि सब लोग रोस्ट बना रहे हैं तो मैं भी रोस्ट बना देता हूँ। भाई के 63,000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन व्यूज ठीक है यार, होता है आमिर भाई, मुझे लगता है सिर्फ मेरा चैनल डेड चैनल है। मुझे अपने फॉलोअर ज्यादा रखने, फॉलोइंग कम रखने, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आपको लगता है ऐसा करने से आपको कोई प्राइज मिलेगा? घंटा। ओ तो आमिर ने मेरी तरह काफी सारे लोगों को फॉलो करके रखा होगा ना। घंटा। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे भी फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आमिर इतना क्रिंज है फिर भी उसके इतने सारे फॉलोअर्स कैसे है? मैं तुम्हें समझा दूं। देखो आमिर एक बेसिक ट्रिक पे काम करता है, वो चिल्ला के बोलता है सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी दुनिया में वो है क्या, इसलिए आप वीडियो को स्क्रॉल करते करते रुक जाओगे और वो स्पीड में भी बोलता है। तो मैंने सोचा अपन भी फेक फैमिली के ऊपर एक फनी वीडियो बनाने की वजह से आप उसका पूरा वीडियो भी देख लेते हो। लेकिन आज तक हमारे सूत्र को ये पता नहीं चला कि आमिर की वीडियो को लाइक कौन करता है। देखो यार आमिर भाई के फैन फॉलोइंग की बात ही अलग है, हमारी तरह नहीं है वो। 9 महीने पहले जब रिशु ने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब आमिर के 236,000 फॉलोवर्स थे और आज 9 महीने के बाद आमिर के 227,000 फॉलोवर्स। और जब रिशु ने वीडियो बनाया था तब आमिर भाई के यूट्यूब पे 60,000 सब्सक्राइबर थे और आज 9 महीने के बाद आमिर भाई के 63,000 सब्सक्राइबर। आमिर भाई यार ये क्या है यार, इससे ज्यादा सब तो मेरे 3 महीने में बढ़ जाते हैं। अब आमिर की ऑडियंस 5 साल के बच्चे मेरे कमेंट में आके बोलेंगे ए फाइनोस तू जलता है साले, के फॉलोअर्स देख तेरे फॉलोअर्स देख, उसके सब्सक्राइबर देख तेरे सब्सक्राइबर देख। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि सब्सक्राइबर के नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस का प्यार मैटर करता है। अगर तुम्हारी ऑडियंस तुमसे प्यार करेगी तो वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ को भी देखने में इंटरेस्ट रखेगी। लेकिन ये देखो साला, इससे ज्यादा व्यू तो मेरे 1K स्पेशल वीडियो में आ गए थे। सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का नंबर मैटर नहीं करता, आपकी ऑडियंस कितनी मैच्योर है और वो आपसे कितना प्यार करती है वो मैटर करता है। और इस बात में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी ऑडियंस मिली है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। करते हो ना सालो, लव यू गाइस। बोलो सुबह केसरी। तुम्हें पता है आमिर के अंदर इतना टैलेंट भरा है कि वो क्लिकबेट करके और ब्यूनिक को अपने थंबनेल में लगा के भी व्यूज नहीं घेर पाता क्योंकि वीडियो को वायरल करने के लिए उसका वॉच टाइम भी बढ़ना जरूरी है और ऑडियंस को पहले 1 मिनट में ही पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी यार थोड़ा स्वीट बंदा है, बुरा नहीं है। देखो गालियां वालियां भी नहीं देता है अपने वीडियो में सिवाय घंटा बोलने के, और बुरा नहीं है भाई। देखो हाँ माना थोड़ा क्रिंज और लाउड है पर क्या कर सकते, अब तो उसको जाके हेट वेट मत देना, उसे पहले ही रिशु की वजह से थोड़ी हेट मिल गई है। लेकिन हाँ उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना स्टोरी में, उसे और मुझे दोनों को टैग करके स्टोरी डाल देना, मैं भी आपको रीमेंशन कर दूंगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और इस बार नेक्स्ट वीडियो पक्का Why I am quitting YouTube का एक्सप्लेनेशन देता हूँ रुको जरा सबर करो, रुको जरा। आमिर तुझे तेरे पापा घर पे गोलगप्पे वाला बुलाते हैं क्या?